हेलो गाइस, लक्ष्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए प्याज का रायता बनाने की विधि लेके आई हूँ, जिसके अंदर आपको बताऊँगी प्याज का रायता कैसे बनाया जाता है और आप इसे कब और कैसे खा सकते हो, तथा प्याज और रायते को एक साथ खाने से क्या होता है और इसके अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बताऊँगी। प्याज का रायता पोषक तत्वों से भरपूर है। प्याज दही दोनों में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए अच्छा माना गया है। दही में पाए जाने वाले पोषक तत्व विटामिन, पोटेशियम, आयोडीन, प्याज, जिंक आदि पाए जाते हैं, तथा प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्व विटामिन ए और विटामिन बी, आयरन आदि पाए जाते हैं। प्याज और दही को एक साथ खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है और आप इसे अपनी रोजाना की डाइट के अंदर शामिल कर सकते हो, जिससे कि दही और प्याज में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपको पूरी तरह से भरपूर मात्रा में प्राप्त हो सके। अब मैं आपको प्याज का रायता बनाकर दिखाती हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने एक बर्तन को गैस चूल्हे के ऊपर गर्म होने को रख दिया है। गर्म होने के बाद इसके अंदर कर देना है सब्जी ऑयल को ऐड। तो ये सब्जी ऑयल आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है 3 से 4 लहसुन की कलियां, जो छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ऑयल के अंदर डाल देना है। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर ऐड कर दिया है। इसे करने ब्लैक होने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इसको भी एकदम से ब्लैक होने देना है। तो अब ये अच्छी तरह से ब्लैक हो चुका है, तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ और मैं इसके अंदर साबुत धनिया भी स्वाद के अनुसार ऐड कर दिया है। तुरंत ही इसके अंदर दही को ऐड कर देना है। तो मैंने दही इसी तरह ऐड कर दिया है। बाकी का बचा हुआ दही भी इसी बर्तन के अंदर डाल दूंगी। तो मैंने सारे दही को इसके अंदर अच्छी तरह से डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक को ऐड कर दूंगी। ये आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब मैं इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर भी तीखेपन के हिसाब से ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो बारीक कटे हुए प्याज। तो सारे प्याज को इसके अंदर डाल दूंगी। प्याज को मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला दिया। तो अब ये रायता बनकर फटाफट से तैयार हो चुका है। आप इसे इसके अंदर सजावट के लिए ऐड कर देना थोड़ा सा सूखा हुआ पुदीना और ऊपर से बंद कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।